शिव योग। अवधूत बाबा शिवानंद जी ने अनेक वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में कठिन तपस्या कर भगवान महामृत्युंजय जैसे शिव योग की शंभवी शक्ति प्राप्त की जो अत्यंत दुर्लभ थी। तो गुरु को जब बहुत प्रेम उठता है तो सबसे वैल्यूएबल कुछ है देने के लिए वो है शंभवी शक्ति। शंभवी शिविरों में बाबा जी सिद्ध किया हुआ बीज मंत्र भी साधकों को प्रदान करते हैं, जिसकी शक्ति से साधक के जीवन में सुखद बदलाव आने लगते हैं और उसके जीवन में सुख शांति सफलता और संपन्नता के नए मार्ग खुलने लगते हैं। ये शरीरों का ज्ञान जब मैं बहुत छोटा था तो सुबह का समय हम दौड़ लगाने चले जाते थे। पहले दिल्ली में बहुत पार्क होते थे, ये पुरानी दिल्ली की बात है, पुरानी दिल्ली जो है ये दरियागंज उधर से है, और वो राजघाट समाधि वो थी। तो एक दिन मैं सुबह दौड़ता हुआ जहाँ गया, तो जहाँ मैं जाता था सुबह खेलने के लिए, वहाँ एक अखाड़ा था। आजकल तो जिम हो गए, तब अखाड़े थे, वेट लिफ्टर वो खूब वेट उठाते थे। वहाँ पे एक वेट लिफ्टर था यंग, बहुत इतना वजन उठाता था कि मैंने देखा था उसकी जो लोहे की जो डंडी होती ना वो थोड़ी शायद बेंट हो जाती थी, मेरा भ्रम होगा या क्या हम को ऐसा लगता था। एक दिन मैं गया तो एक 100 साल का बूढ़ा योगी, 95-100 साल का होगा, बिल्कुल पतला दुबला, वो वहाँ खड़ा था। ऐसा लगा जैसे मेरी वेट कर रहा हो, और उसके सामने दो बहुत भारी भारी मुदगर, वो जो गधा होती है ना लकड़ी के, वो रखे हुए थे। और जैसे ही मैं गया उसने एकदम वो दोनों उठाए और ऐसे ऐसे करके घुमाना शुरू हो गया। मुझे लगा कि बड़े हल्के होंगे, फिर उसने रख दिए बड़ी शांति से। तो मैंने उसको देखा, वो बहुत फ्रेंडली लगा, मुस्कुराया, तो मैंने भी कहा मैं इसको उठाऊं, उसने उठाओ। अब मैंने दोनों मुदगर को हिलाया तो ऐसे लगा जैसे जमीन में गड़े हों। मैंने कहा दो नहीं हिलेगा, एक हिलेगा। एक हिलाने की कोशिश करी, वो हिला ही नहीं। और मुझे याद है मैं चढ़ गया उसके ऊपर, इट वॉज दैट हैवी। इतने में जो बेस्ट वेट लिफ्टर था वो आ गया नौजवान, उसने क्या हो रहा है। तो हमने बोला भैया जी आप उठाइए इसको, ये भी उठा रहे हैं। और मेरे सामने की बात है, उसने दोनों को उठाने की कोशिश करी, उससे नहीं उठा। फिर उसने एक उठाने की कोशिश करी, ताकत उसमें बहुत थी, वो उठाया उसने, तो पूरा शरीर उसका वाइब्रेट कर रहा था और यहाँ तक वो लेके आया। मैंने कहा पीछे से घुमाओ ऐसे करके, और यहाँ तक लेके आया तो वो गिर गया नीचे। अब जब ये गिरा तो फिर वो वहाँ नहीं रुका, वो नौजवान तो चला गया, अब वो साधु और मैं रह गया। और मैंने उनसे पूछना शुरू किया, मैंने कहा आपके तो मसल्स भी नहीं हैं, उनके तो मसल्स कितनी बड़ी बड़ी हैं, वो कितना लंबा चौड़ा है, आप वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं था, आपने कैसे उठा लिया, उसने कैसे नहीं उठाया। तो वहां से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। वो बहुत समय वो साधु वहां रहा, और मेरा सुबह वो 2 महीने की छुट्टियां थी स्कूल की, और मैं सुबह सुबह मेरी दिनचर्या होती थी, मैं भाग के वहां पहुंच जाता था और फिर मेरी क्लास लगती थी। मुझे शांति से वो जो दुर्लभ योग है, पता नहीं कहां से आया था वो, उसने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये अपनी प्राण ये अपने शरीर के मसल से उठा रहा है इसको, इसलिए नहीं उठ पा रही इससे। मैं कहा शरीर से ही तो उठेगा और किससे उठेगा। बोला नहीं, शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है प्राण, क्योंकि शरीर को भी चलाने वाला प्राण है। तो मैं प्राण शक्ति से प्राण ऊर्जा से इसको उठाता हूं। ये जो मैंने सीखा तो 8-9 साल पहले ऋषिकेश में
मैंने बच्चों से उंगली से 200 किलो 150 किलो का वजन उठवाया था, उन्होंने ऐसे करके दो उंगलियों से उठा लिया था प्राण ऊर्जा। फिर किसी ने कहा कि अगर इनका ध्यान टूट गया तो एक्सीडेंट हो सकता, फिर मैंने बंद कर दिया, वो भी सही है। तो प्राण ऊर्जा, वहां से मुझे पता लगा कि ये जो स्थूल शरीर है इससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली जो है, मोर पावरफुल इज आपकी एथरिक बॉडी, प्राणमय कोश। मोर पावरफुल देन योर फिजिकल बॉडी इज योर एथरिक बॉडी, प्राणमय कोश। तब मैंने अपने दूसरे शरीर को सिद्ध करना शुरू किया, क्योंकि दिखने में वो सूक्ष्म है। प्राण शरीर के ऊपर मैं ऐसे हाथ करूंगा तो आर पार कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं उसकी शक्ति को स्थूल शरीर में जागृत करता हूं तो मेरी शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, प्राण शरीर। इसलिए इसका ज्ञान योगी को होना बहुत जरूरी है, प्राणमय कोश का ज्ञान। और इसके बाद इससे और सूक्ष्म, ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म है एथरिक शरीर, एथरिक बॉडी, प्राणमय कोश। ये आप सभी का है, आप भूले बैठे हो इसलिए आपको ज्ञान नहीं, लेकिन शिव योग में जब हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये ज्ञान कराऊंगा। जो डॉक्टर्स का जो शिविर है उसमें उनको मैं ये ट्रेनिंग का कैरिकुलम का पार्ट है कि एक एक ऑर्गन जो आपका फिजिकल बॉडी में है वो सेम ऑर्गन आपकी एथरिक बॉडी में भी है। और जब आप पूरे ध्यान की अवस्था में जाते हो तो एक एक ऑर्गन को हाथ में पकड़ सकते हो। और अगर कोई रोग शरीर में है तो आप उसको स्पर्श करके उसकी एथरिक बॉडी में आप उसको फील कर सकते हो। और इस एथरिक बॉडी का कनेक्शन जो है आपके मनोमय कोश, क्योंकि आनंदमय कोश से ज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश से मनोमय कोश, मनोमय कोश से प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से ये अन्नमय कोश। उत्पत्ति कहां से हो रही है? सुपर कॉजल बॉडी से कॉजल बॉडी, कॉजल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी से एथरिक बॉडी, एथरिक बॉडी से फिजिकल। इसको थोड़ा समझना आप लोग बहुत अच्छे से। ध्यान सिर्फ स्थूल शरीर की तरफ है लेकिन इसका संचालन कौन कर रहा है? एथरिक बॉडी कर रही है। एथरिक बॉडी का संचालन कौन कर रहा है? एस्ट्रल बॉडी कर रही है। एस्ट्रल बॉडी का संचालन कौन कर रहा है? कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी का संचालन कौन कर रहा है? सुपर कॉजल बॉडी। एंड सुपर कॉजल बॉडी का संचालन कौन कर रहा है? मैं खुद कर रहा हूं, आई एम That I am the soul। तो इस तरीके से मैं जो कि स्वयं आत्मा है उसने ये पैदा किया है। तो फिजिकल बॉडी से ज्यादा पावरफुल कौन सी शरीर है? एथरिक बॉडी। तो आपका प्राणमय कोश है आपके स्थूल शरीर से कई गुना ज्यादा पावरफुल। और प्राणमय कोश से कई गुना ज्यादा पावरफुल है मनोमय कोश, कई गुना सूक्ष्म और कई गुना ज्यादा पावरफुल मनोमय कोश। और मनोमय कोश से कई गुना ज्यादा पावरफुल है ज्ञानमय कोश, और ज्ञानमय कोश से कई गुना ज्यादा पावरफुल है आनंदमय कोश, सुपर कॉजल बॉडी। ये थोड़े से ऐसे तथ्य हैं जो अभी समझ नहीं आएंगे लेकिन मैं बताना जरूरी समझता हूं। जो मनुष्य है, यू आर ए मल्टी डायमेंशनल बीइंग, तुम यहां भी हो और तुम स्पेस में भी हो किसी हायर डायमेंशन में। आपका स्थूल शरीर यहां है लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर किसी उच्च के लोक में भी जो है होता है। You have the connection। इस चीज को हम साधना के द्वारा इसको समझेंगे।
जितनी हमारी चेतना, जितने हमारे अंदर प्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है, उतना हमारा जो सूक्ष्मतम शरीर है वो उच्च की डायमेंशन में चला जाता है। इसीलिए जो लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाते हैं, जो सिद्ध हो जाते हैं, तो जो इनफाइनाइट डायमेंशन में सिद्ध लोग कहा गया है, जो सिद्ध लोग, वो जीते जी यहां भी हैं और वो सिद्ध लोक में भी हैं। जो उस परम तत्व को प्राप्त हो जाता है वो जीते जी यहां भी है और वो शिवलोक धाम में भी है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक चीजें हैं, ये कोई वो धार्मिक या वो सब नहीं है। दिस इज ए साइंस और इसको समझना बहुत जरूरी है आप सभी को। और उसको अगर आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ोगे तो देर इज ए मेंशन ऑफ हायर सेल्फ। हायर सेल्फ जो है, सो कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ, यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस, जो आपका सूक्ष्मतर शरीर जो कि उच्च के लोक में है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये पृथ्वी लोक है, ये थर्ड डायमेंशन कही गई है। ये जो पृथ्वी है, जो मृत्यु लोक है, ये थर्ड डायमेंशन है। थर्ड डायमेंशन, इसके बाद जो उच्च के लोक हैं, इनफाइनाइट डायमेंशन तक जाता है, जिसको सेवन सेग्रीगेशन में करा गया, सेवन उसमें बांटा है। पृथ्वी के बाद कई डायमेंशंस के बाद जो नेक्स्ट डायमेंशन आती है भूलोक के बाद जो है, उसको कहते हैं भूर्वलोक। तो हम लोग यहां पर हैं, लेकिन हमारा जो एस्ट्रल शरीर है, जो एथरिक शरीर जो है, एथरिक शरीर प्राणमय कोश, ये थर्ड डायमेंशन का फिनोमेना नहीं है, ये फोर्थ डायमेंशन एंड अबव का फिनोमेना है। थर्ड डायमेंशन में डिस्टेंस, टाइम, स्पेस, ये साइंटिफिक मैनर है। लेकिन जब आप फोर्थ डायमेंशन में चले जाते हो तो ये टाइम और स्पेस ये नहीं रहती, ग्रेविटेशन ये भी नहीं रहती। जो आपकी एथरिक बॉडी है वो फ्लोट कर सकती है, फिजिकल बॉडी फ्लोट नहीं कर सकती। इसीलिए जब पांचों शरीर एक हो जाते हैं तो योगी लेविटेट करता है। मैं थोड़ी उलझुल बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये रियल है। यू लेविटेट, यू कैन लेविटेट। और ये प्रदर्शन की चीजें नहीं, क्योंकि शिव योग में जो आपके लिए अच्छा है उसको बताना, उसका प्रदर्शन जरूरी है। जो आपकी समझ के बाहर है वो जादूगिरी हो जाएगी। तो आप जो है इसको पर समझो, यू कैन लेविटेट। आपका जो फोर्थ बॉडी है दैट लेविटेट्स, और वो फोर्थ बॉडी जो है एक ही क्षण में कहीं से कहीं जा भी सकती है। जब आप हायर साधना करोगे तो आप उस बॉडी को जो है, आपका जो सूक्ष्म शरीर, उसके बाद जो ये भूर्वलोक है, पितृलोक, भूलोक और भूर्व, भूलोक और भूर्वलोक के बीच में कहीं आते हैं पितृलोक जो है, जहां एंसेस्टर्स लोगों के चले जाते हैं। उसके बाद स्वर्गलोक, देन द नेक्स्ट डायमेंशनल एलिवेशन इज महरलोक, फिर उसके बाद है जनलोक, फिर नेक्स्ट डायमेंशन इज सिद्धलोक, और फिर नेक्स्ट डायमेंशन इज ब्रह्मलोक। वो जैसे जैसे लोगों का विश्वास होता है, कोई गोलोक धाम बोलता है, कोई शिवलोक बोलता है, कोई वैकुंठ लोक बोलता है। नाम अनेक, सबका मालिक एक, तो वो नाम अनेक है, लेकिन वो इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, विदाउट एनी नेम, विदाउट एनी फॉर्म, दैट इज द डायमेंशन ऑफ लाइट। और मैं इन सभी में व्याप्त हूं। आप जो है, मैं का मतलब मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं व्हेन आई एम सेइंग, नहीं तो आप ये ना कहना शुरू करो बाबा सब में व्याप्त है। मैं जो सिखा रहा हूं ये आपकी बात कर रहा हूं। यू आर प्रेजेंट इन एवरी डायमेंशन। द ओनली थिंग इज कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो अभी निच की अवस्था में ज्यादा अटकाई हुई है। जब आप अपनी चेतना को, मैं साधना के द्वारा जैसे जैसे ऊपर उठाऊंगा, वैसे वैसे आपको
जो भी आप जीवन में चाहते हो उसको पैदा करने की शक्ति हो जाएगी। जैसे जैसे मैं आपकी चेतना को ऊपर उठाऊंगा, आपको स्वयं को हील करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस अवस्था में जब मैं कहूंगा हील योर सेल्फ, प्लीज बिलीव मी, यू कैन हील एट दैट डायमेंशन। उस डायमेंशन में अगर आप हीलिंग करोगे तो 20 साल पुरानी बीमारी को ठीक होने में 20 महीने नहीं लगेंगे, 20 दिन भी नहीं लगेंगे, आपके संकल्प के ऊपर है 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे, उसी क्षण जो है आप अपने रोग को रिलीज कर सकते। इज ओनली कि आपने उस लेवल पे कैसे कैसे ऊपर उठना है। अब मैं नीचे से शुरू करूंगा आपको जो है, जिससे आप अपने अंदर परिवर्तन ला सको। पहले ये इसलिए बताना जरूरी है कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो सके कि आप कितने सर्वशक्तिमान हो, आपके अंदर कितनी अनंत की शक्तियां हैं, और आपका उद्देश्य, आपका गोल जो आपने सेट करना है लाइफ का, द स्पिरिचुअल गोल, उसके ऊपर आप निर्धारित कर सकते हो कि मैं किस लेवल तक मुझे पहुंचना है। जो दूसरा शरीर है उसको बोलते हैं एथरिक बॉडी, प्राणमय कोश। वो जो योगी था प्राणमय कोश से वो मुद्गर घुमा रहा था। जैसे ये स्थूल शरीर के अंदर अलग अलग आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स हैं, उसी तरीके से जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर 72 लाख नाड़ियां हैं, 72 लाख नाड़ीज, जिसको हम एनर्जी मेरिडियंस बोलते हैं, एनर्जी मेरिडियंस। ये एनर्जी मेरिडियंस, इसमें विद्युत दौड़ती है, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है आप सभी के अंदर। आप सभी जो है जो चल फिर रहे हो, ये सब वो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है। आप सारे खिलौने बिजली के हो, ये बात अलग है कि ये बिजली वो कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये बिजली वो जीवित बिजली है। इसीलिए इसको नाम दिया है साइंटिस्ट ने बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायो एथरिक एनर्जी। बायो मतलब जो जीवित हो, और एथरिक एनर्जी विच इज द इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए किसी को हम जब कंप्लीमेंट देते हैं तो बोलते हैं बड़ा ऊर्जावान है, ऊर्जावान, ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो बहुत ही जो है तेजस्वी कहा गया, तेजस्वी, तेजोमय, ऊर्जावान। ये शब्द जो है पौराणिक समय से चले आ रहे हैं, भारत का जो वैदिक युग है वहां से, तेजस्वी, ऊर्जावान। और उसी को जो है इलेक्ट्रिक पर्सनालिटी, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पर्सनालिटी बोलते हैं। तो यानी कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है बगैर किसी अवरोध के वो बहुत तेजी से दौड़ रही है, दैट इज द बायो एथरिक एनर्जी। और जो जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी कम होती है उसको हम बोलते हैं निस्तेज, निस्तेज मतलब जिसमें तेज, तेजहीन भी बोलते हैं, जिसके अंदर तेज ही नहीं है, निस्तेज हो गया। जो आदमी ज्यादा नेगेटिव सोचता है उसका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होने से वो निस्तेज हो जाता है, तेजहीन हो जाता है। और जो तेजहीन हो गया उसकी माइंड पावर जो है वो कम हो गई, उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो कम हो गई, उसका जो फिजिकल स्टेमिना है वो कम हो गया, उसके अंदर जो खुश होने की शक्ति है वो कम हो गई, निस्तेज हो गया। इसलिए पहले समय में जो आशीर्वाद देते थे, पहले समय में वो बोलते थे तेजोमय भवा, क्या बोलते थे, तेजोमय भव, तेज हो। उसके बाद फिर युग आया जब अंग्रेज चले गए तो फिर बूढ़े बोलते थे पटवारी भवा, वो बोलते पटवारी हो जा बेटा, क्योंकि पटवारी सबसे अच्छी गांव गांव में होता था। लेकिन जब पटवारी नहीं थे, जब ये लैंड रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, और जब भारत जो है वो वैदिक इरा था, तब तेजस्वी भवा, या बोलते थे ऊर्ध्व रेता भवा, ऊर्ध्व रेता यानी कि जो शक्ति है वो नीचे से ऊपर की ओर उठे, जो एनर्जी मेरिडियंस, जो बायो एथरिक एनर्जी, ये उस चीज को ये कहा गया है। अब ये जो 72 लाख नाड़ियां हैं, इसको जो भी मैं बता रहा हूं अभी हम अनुभव करेंगे,
इसमें 72,000 नाड़ियां मुख्य हैं। आपके ये आप ही की इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको, इसलिए फील भी करते जाओ। और 72,000 नाड़ियों से 101 नाड़ियां मुख्य हैं, और 101 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां मुख्य हैं, जिसको बोलते हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। अगर 3 नाड़ियों को हमने नियंत्रण कर लिया तो 72,00,000 नाड़ियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये 3 नाड़ियों की लोकेशन कहाँ है? जो सुषुम्ना नाड़ी है वो पैरेलल टू योर स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ये उसके पैरेलल है। या इसको ज्यादा समझने के लिए आप ये समझो कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर एक हॉलो ट्यूब है। सेंटर ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड टेल बोन से देर इज ए हॉलो ट्यूब जो कि पीनियल ग्लैंड तक आपके जाती है। और जो टेल बोन है उसका नीचे का जो हिस्सा है वहां भगवती है, कुंडलनी शक्ति, माँ दुर्गा, माँ पार्वती। और ये जो सहस्रार है सिर, यहां पर शिव व्याप्त है, शक्ति नीचे शिव ऊपर। जो योगी है वो शिव और शक्ति का मिलन करवाता है। बीच में है ये सुषुम्ना नाड़ी, ये सुषुम्ना नाड़ी में तुम्हारे कई जन्मों के कर्म संचित हैं। ये जो हॉलो ट्यूब आप देख रहे हो ये हॉलो नहीं, इसके अंदर कई संचित कर्म व्याप्त है कई जन्मों के। नीचे के भाग में तमोगुणी कर्म जो बुरे कर्म है, मध्य भाग में रजोगुणी कर्म, और जो ऊपर का भाग है उसमें है सतोगुणी कर्म। तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी कर्म, दैट इज द ट्यूब। और नीचे है शक्ति और उसका मार्ग रुका हुआ है क्योंकि यहां कूड़ा भरा हुआ है, वो शिव तक जाना चाहती है। तो जैसे जैसे आप सुषुम्ना मार्ग खाली करोगे, जो देवी भक्त हैं अगर देवी की भक्ति करते हैं, वैष्णो देवी तो चक्कर काट आते हैं, लेकिन जरा देवी के लिए भी कुछ रास्ता साफ करो जिससे वो भगवती अपने पति से, शिव से, वो शैलपुत्री, उसका भी यहाँ एक एकत्व हो जाए। और जब हम अपनी बुराइयां, बुरे कर्मों को काटते हैं, बुरे कर्मों को कैसे काटते हैं? साधना के द्वारा। जो संचित कर्म है जो कि प्रारब्ध भोग, एक तरीका है प्रारब्ध भोग बने, दुख आए जीवन में, दुख भोगो, कर्म काट लो, ये तरीका अच्छा है? बोलो। बीमारी आए, दुख आए, घाटा आए, शत्रु पराजित कर दे, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर ये पसंद नहीं तो दूसरा तरीका है साधना का। साधना के द्वारा कर्म को काटो। प्रतिदिन जब साधना करते हो तो कई जन्मों के कर्म कटते हैं, तो जब वो कर्म कटेंगे तो सुषुम्ना मार्ग प्रशस्त होगा और भगवती भैरवी ऊपर उठेगी भैरव से मिलने के लिए। यह है सच्ची शक्ति साधना, यह है देवी की साधना, और शिव का शक्ति से मिलन हो यह है शिव साधना, शिव शक्ति की साधना। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? तो असली भगत यही है जो वास्तव में जो शक्ति और शिव को मिलाए, वो है ये ईड़ा, ये सुषुम्ना। और ये सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, चंद्रमा शीतल, सूर्य गर्म उष्ण, ये दो नाड़ियां आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साइड से घूमती हुई जाती है ऐसे, इस तरीके से। ये देखो जहां ये काटती है, जहां ये देखो ये आ गई सुषुम्ना नाड़ी स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के निचले भाग से ये लेफ्ट साइड ईड़ा, राइट साइड पिंगला, ये घूमी और फिर काटी, फिर घूमी फिर काटी, फिर घूमी फिर काटी। जहां ये तीनों नाड़ियां मिलती हैं, इंटरसेक्शन,
इसको संगम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संगम। और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को गंगा यमुना सरस्वती, क्या बोलते हैं? गंगा यमुना सरस्वती। शास्त्रों में कहा है जो संगम में डुबकी लगाता है उसके पाप धुलते हैं। हम सीधा इलाहाबाद भाग जाते हैं, लेकिन वास्तविक संगम जो कहा गया है वो है जहां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों मिलती हैं, ये संगम है। जो योगी इस संगम में डुबकी लगाए उसकी चेतना जो है, क्योंकि कर्म जो है वो कहां बैठे हुए हैं? शरीर में कि चेतना में? बोलो। तो धुलाई किसकी करनी, शरीर की कि चेतना की? तो इसलिए चेतना के द्वारा कर्म धुलता है। गंगा जी में जाते हैं, अच्छा है, वो भी एक अच्छी चीज है, लेकिन रियलिटी में रोज संगम में डुबकी लगानी है। यहां तो वहां किराए का झूंसी में मकान ले लो, रोज जाया करो, और यहां ये शिव योग सीख लो। जहां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों मिलती हैं उसमें जब डुबकी लगाते हो तो कई जन्मों के पाप क्षय होते हैं, सुषुम्ना मार्ग प्रशस्त होता है। WHO ने अब इस चीज को माना है और वो यहां तक आए हैं कि रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज 80% इट इज साइकोसोमेटिक। तो साइकोसोमेटिक मींस वो बरीड इमोशंस, वो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस। तो अब बताओ वो नेगेटिव इमोशंस रखोगे अंदर? नहीं तो वो पकेगा, पकेगा फल कौन सा बनेगा? किसी भी बीमारी के रूप में बनेगा। लेट गो ऑफ इट, रिलीज, कुछ भी नहीं रखना अंदर, खाली रहना बच्चे की तरह, जस्ट स्माइल। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। बच्चा लड़ता देखा कभी? बच्चे लड़ते हैं इतनी जोर के लड़ते हैं कि थपड़ो थपड़ी भी हो जाती है। छोड़ दो उनको 5 मिनट में दोस्त भी हो जाते हैं एक दूसरे को, किसी भी कर रहे हैं। अब बड़ों को लड़ते देखा है? थपड़ो थपड़ी तक तो नौबत नहीं आती, हल्का सा चूं बोल देगा कोई, क्यों, और दूसरा बेहोश होके गिरेगा। और कई सालों तक, कई जन्मों तक वो बेहोश ही रहेगा कि इसने मेरे को ऐसी बात कह दी, मुझे चुभ गई। हाउ फुलिश वी आर। वो नेगेटिव इमोशन रूट कॉज, 80% रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज इज साइकोसोमैटिक, ये WHO कहती है। शिव योग कहता है 100% रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज इज साइकोसोमैटिक।